तो आज लगभग 3 महीने बाद वो दिन आ ही गया जब मैं सिर दर्द से छुटकारा पाऊंगा। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। मैं लगभग 3 महीने से अपने बालों से कुछ ज़्यादा ही परेशान था। परेशान इसलिए था क्योंकि मेरे बाल इस लॉकडाउन में कुछ ज़्यादा ही बड़े हो गए थे। फिर मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना मैं अपने बाल कटवा लूँ। पर कटवाता कैसे, लगातार लॉकडाउन एक्सटेंड होते जा रहा था। फिर मैं गया जहाँ मैं हमेशा अपने बाल कटवाया करता। पर जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा था। फिर क्या, वेट तो करना ही था, बाल जो कटवाने थे। तो भैया मैंने भी जगह खोज ली बैठने की और बैठ गया और करने लगा इंतज़ार। इतने बड़े बड़े बाल आज तक मैंने नहीं रखते यार। 2-3 महीने में इतना मतलब हेयर फॉल भी हो रहा है साथ साथ, और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि इतने बड़े बड़े बाल बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं। तो जब मैं यहाँ पहुँचा तो मेरा कोई इरादा नहीं था ब्लॉग बनाने का, पर जब मुझे पता चला कि टाइम काफ़ी लंबा होगा तो फिर मैंने सोचा कि टाइम का यूज़ किया जाए और आप लोगों से बात कर लिया जाए। सुबह का टाइम था वो जब मैं उठा, और करने के बाद सबसे पहले यहाँ कॉल किया और पूछा मैंने कि भीड़ तो नहीं है यहाँ। तो पता चला कि कुछ भीड़ है, बट यहाँ पर आने के बाद सीन कुछ अलग ही था। एक तो इस गर्मी ने, अब क्या ही बताऊँ। मैं रहता हूँ धनबाद में, और धनबाद में कुछ दिनों से यहाँ का वेदर इतना ख़राब हो गया है, मतलब लगातार इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है यहाँ पर कि मत पूछो। ऊपर से ये सूर्य देव बिल्कुल सर पे ही। तो कुछ देर बाद बादलों ने मुझ पर एक एहसान कर दिया, कुछ तो अच्छा हुआ। अभी क्या हो रहा है ना कि आसमान में कुछ बादल है जो सूरज को ढकते हैं थोड़ी देर के लिए, और जब ढकते हैं तो यार दिल को बड़ा सुकून, मतलब मत सोचो। जैसे ही वो बादल ढकते हैं ना तो इतना गुस्सा आता है गंदी वाली गर्मी में, थोड़े से बादल और ज़्यादा राहत दे जाते हैं। तो शुक्रिया उन बादलों को जिन्होंने सूरज को घेरने की कोशिश की और थोड़ी भी रात बसाने की कोशिश की, बट फिर से वैसे ही हो गया यार। फिर कुछ 1-2 घंटे बाद आखिर में मेरा नंबर आ ही गया। तो ये देखो फाइनली मेरा नंबर आ गया। अब भाई साहब, इस लॉकडाउन में अगर आपको बाल कटवाने हो तो लंबा इंतज़ार तो करना ही पड़ेगा, क्यों सही कहा ना मैंने। फिर भैया आई टाइम लैप्स की बारी, ये देख लो। Down the years, it's been a ride. And now I'm sorry, how I'm all, it's not in tonight. And on, as we go, we seem to fight. But baby, that's just the way we love. And only in the dark do we see our sunlight. Home is where we were, home is where we want to be. And yes, we don't have time to say goodbye. And this ain't the last time. Now it's time before we go. Raise your hands, raise a toast. Time is something special, just like love before it starts to snow. It's crazy how the years have gone. Memories are the drug we're on. But darling, just remember that there's never a goodbye. It's falling. There's never a goodbye. तो दोस्तों, ये नया लुक कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। यार देखो भाई, लाइटिंग देखो, पार्लर की।
तो भाई ये पार्लर की लाइटिंग काफी अच्छी लगी मुझे। No, 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 it's not said and done. Baby, you could fly with me and we'd be world. And it's only time before we miss the fire. बाकी दोस्तों यही था आज का ब्लॉग, थोड़ा स्टोरी क्रिएट करना चाहा मैंने, पता नहीं कैसा हुआ तो बताना कमेंट में ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।